हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पीएचपी ट्रेनिंग बाय डेवलपर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीएचपी के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। पीएचपी के अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे यूट्यूब चैनल में डिस्क्राइब किया था। आज हम पढ़ेंगे पीएचपी के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं एंड उनके प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो लेट मी स्टार्ट द पीएचपी प्रोग्राम रिलेशनल ऑपरेटर। फ्रेंड्स, पीएचपी के ऑपरेटर हम बनाएंगे, पीएचपी के प्रोग्राम कहाँ पे सेव करोगे, जहाँ पे आपने आपका सर्वर इंस्टॉल किया है, डी के अंदर, जेम के अंदर, एचटी डॉक्स के अंदर फोल्डर बना रखा है पीएचपी नाम का, उसके अंदर हमने ऑपरेटर 2.php नाम से हमने एक फाइल बनाई है। इस फाइल के अंदर हम पीएचपी के ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब जब हम किसी दो वेरिएबल के बीच कंपेयर करते हैं, उस केस में हमें रिलेशनल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जहां कंपैरिजन रिलेशनल की बात आती है, वहां पे हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिलेशनल मीन्स क्या हुआ कि सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल बना लिया a इक्वल टू 10, अगेन मैंने एक वेरिएबल बनाया है $b इक्वल टू 20। अब फ्रेंड्स, दोनों में कंपेयर क्या है, दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो a छोटा है b से, या यू बोल सकते हैं कि b बड़ा है a से। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन है, a छोटा है b से या b बड़ा है a से, या a b के बराबर हो सकता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम दो वेरिएबल के बीच में कोई भी कंपैरिजन को देखते हैं, कंपेयर करते हैं हम दो वेरिएबल्स को, तो उस केस में हमें किसका यूज करना पड़ता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का, मींस रिलेशनल ऑपरेटर का। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम आज पढ़ेंगे लेस देन, ओके, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ओके, एंड इक्वल इक्वल टू। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेस देन इक्वल टू के बारे में। हमें पता है कि a छोटा है b से। सपोज दैट मैंने यहाँ पे कंडीशन बना ली कि a जो है वो छोटा है किससे, b से। ये जो ऑपरेटर का सिंबल है, ये लेस देन मीन्स a लेस देन ऑफ b, मतलब a b से छोटा है, तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अब पीएचपी के अंदर यदि कंडीशन पीएचपी के अंदर यदि कंडीशन ट्रू होती है तो वन प्रिंट करता है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्लैंक वैल्यू आती है, मींस ब्राउजर में कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा इन केस ऑफ फॉल्स। यदि कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, वन। इसका मैं आपको आउटपुट बताता हूँ कि अभी हमारी कंडीशन क्या है, a लेस देन b, मतलब a छोटा होना चाहिए b से। तो a की वैल्यू कितनी है, 10, छोटा है किससे, b मतलब 20। क्या 10 छोटा है 20 से, कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, मीन्स इसका आउटपुट क्या आएगा, 1। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जेम सर्वर को स्टार्ट करो। जेम सर्वर स्टार्ट करने पे डेस्कटॉप पे आपके पास आइकन आ जाएगा, यहाँ चेक कर लो, अपाचे MySQL दोनों स्टार्ट हैं। ब्राउजर ओपन करें, ये रिलेशनल ऑपरेटर का फर्स्ट प्रोग्राम है लेस देन। फ्रेंड्स, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लोकल होस्ट
स्लैश फोल्डर का नाम पीएचपी, प्रोग्राम किस नाम से बनाया ऑपरेटर टू, आउटपुट कितना है वन। आउटपुट वन क्यों आया है, क्योंकि ए जो है छोटा है बी से, मीन्स ये कंडीशन क्या है ट्रू है, और पीएचपी के अंदर यदि कंडीशन ट्रू होगी तो कितना रिटर्न करता है वन, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा फॉल्स मीन्स ब्लैंक। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी करा, मतलब ए जो है वो बड़ा है बी से, क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए की वैल्यू कितनी है 10 बड़ी है 20 से, नहीं 10 ए से छोटा है, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे ब्लैंक आएगा। तो पीएचपी के केस में ऑपरेटर में रिलेशनल ऑपरेटर में यदि कंडीशन ट्रू होती है तो वन प्रिंट करेगा, अदरवाइज ब्लैंक वैल्यू दे देगा। ओके फ्रेंड्स, लेस देन हुआ ग्रेटर देन हुआ, यदि अगर मैंने लेस देन इक्वल टू करा, लेस देन इक्वल टू मीन्स या तो ए छोटा होगा बी से या ए की वैल्यू इक्वल होना चाहिए बी से, तो अभी ए क्या है 10 छोटा है 20 से, मीन्स कंडीशन क्या है ट्रू है, कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या आएगा वन। यहाँ पे दो मीनिंग निकलते हैं, दो ऑपरेटर एक साथ यूज करें, या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। फ्रेंड्स मैंने अगर बी की वैल्यू को 10 करा, ओके, और यदि अगर मैंने यहाँ से इक्वल टू हटा दिया, अब कंडीशन क्या है ए छोटा है बी से, ए की वैल्यू कितनी है 10 छोटी है बी से, मतलब 10 से छोटा है क्या, नहीं है, जबकि 10 के इक्वल होता है, छोटा नहीं होता है। इस केस में कंडीशन क्या है हमारी फॉल्स है, तो फॉल्स के केस में क्या आएगा ब्लैंक आएगा। बट अगर मैंने लेस देन इक्वल टू लगा दिया, मीन्स 10 ए छोटा तो नहीं है बी से, बट ए बी के इक्वल जरूर है, ओके, इस केस में इसका आउटपुट क्या आएगा वन। तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, एंड अगर मैंने इसको ग्रेटर देन करा, ग्रेटर देन मीन्स फिर यहाँ दो ऑपरेटर एक साथ यूज करें, ए बड़ा है या तो ए बड़ा होना चाहिए बी से या ए बराबर होना चाहिए बी, ए बड़ा तो नहीं है बी से बट ए बी के बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट क्या आएगा वन। एक कंडीशन और है कि यदि अब हम यूज करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर का, इक्वल टू ऑपरेटर यदि अगर आपने इक्वल इक्वल दो बार लगा लिया तो ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर कहलाता है। इक्वल टू ऑपरेटर मीन्स होता है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 10 के बराबर है, 10 के बराबर होगा तो आउटपुट कितना आएगा वन। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। एक होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मीन्स ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि अगर मैंने इक्वल इक्वल टू की जगह पे यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दिया, नॉट इक्वल टू मीन्स ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होना चाहिए किसके बी के, तो ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 10 तो 10 के बराबर है तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स, तो फॉल्स के केस में आउटपुट क्या आएगा ब्लैंक आएगा। बट अगर मैंने यहाँ पे बी की वैल्यू को 20 करा, मीन्स ए की वैल्यू 10 बराबर नहीं है बी के, 10 बी के बराबर नहीं क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू कितनी है 20, तो इस केस में कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट कितना आएगा वन। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे पीएचपी के रिलेशन ऑपरेटर, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू एंड इक्वल इक्वल टू। ओके फ्रेंड्स, हम हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट यूट्यूब चैनल में हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।